हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग सीरीज में। आज का जो वीडियो है वो छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी ऑडिटर होने के साथ साथ कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता कंपनी को। कहने का मतलब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोहिबिटेड है कंपनी ऑडिटर के लिए, कि अगर वो कंपनी का ऑडिटर है तो वो साथ साथ में दूसरी कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता कंपनी को, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शॉर्ट में इसको बोला जाता है प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144 फॉर एन ऑडिटर। कहने का मतलब एक ऑडिटर अंडर सेक्शन 144 के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता अगर वो ऑलरेडी कंपनी का ऑडिटर है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वही लिखा है, एक पर्सन जो कंपनी का ऑडिटर है या फर्म जो कंपनी के ऑडिटर है वो कंपनी के ऑडिटर होने के साथ साथ कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकती या कौन कौन सी सर्विसेज उसके लिए प्रोहिबिटेड है वो हम लोग अभी समझते हैं। तो सबसे पहली जो सर्विस है वो है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। कहने का मतलब अगर मैं कंपनी का ऑडिटर हूँ, मैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता हूँ, उनको बना नहीं सकता, तो मैं उनको बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं दे सकता अगर मैं कंपनी का ऑडिटर हूँ। तो पहली प्रोहिबिटेड सर्विस हो गई अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। कहने का मतलब अगर मैं एक कंपनी का ऑडिटर हूँ तो मैं उसका अकाउंटेंट नहीं हो सकता। दूसरा, इंटरनल ऑडिट। अगर मैं कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिटर हूँ तो मैं उसका फाइनेंशियल ऑडिट कर सकता हूँ, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर कैन नेवर बी एन इंटरनल ऑडिटर। मतलब अगर मैं स्टेट्यूटरी ऑडिटर हूँ तो इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग FIS। FIS मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर मैं कंपनी का ऑडिटर हूँ तो मैं कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। चौथा, एक्चुअरी सर्विसेज। एक्चुअरी सर्विसेज मतलब उनके इंश्योरेंस की जो सर्विसेज होती है उसको एक्चुअरी सर्विस बोलते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा टर्म है। जैसे एक कंपनी के एसेट्स है उनकी लाइफ को एस्टिमेट करना तो भी वो एक्चुअली का काम होता है, वैसे ही उनके लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करना होता है तो वो भी एक्चुअली का काम होता है। इन द सेम वे वैल्यूएशन करना है किसी एसेट का तो वो भी एक्चुअली का काम होता है। तो अगर मैं कंपनी का ऑडिटर हूं तो मैं कंपनी को एक्चुअली सर्विसेज नहीं दे सकता। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। मैं अगर कंपनी का ऑडिटर हूं तो मैं कंपनी को इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए उसकी एडवाइस भी नहीं दे सकता। इन द सेम वे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, कहां बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहां करनी चाहिए उसकी सर्विसेज भी नहीं दे सकता। रेंडरिंग और आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मैं आउटसोर्स भी नहीं करवा सकता। मैं खुद तो ये सारी सर्विस नहीं दे सकता पर मैं ये सारी सर्विसेज को किसी पहचान वाले से आउटसोर्स भी नहीं करवा सकता अगर मैं कंपनी का ऑडिटर हूं तो। मैनेजमेंट सर्विसेज के अलावा मैनेजमेंट जो सर्विस होती है वो भी मैं नहीं दे सकता किसको, कंपनी को, अगर मैं कंपनी का ऑडिटर हूं तो। और लास्ट में एनी अदर सर्विसेज एज मे प्रिस्क्राइब, या इसके अलावा कोई भी सर्विसेज है जो भी प्रिस्क्राइब है तो वो भी मैं नहीं दे सकता। बहुत ही छोटा सा वीडियो था लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे स्टूडेंट्स इस आंसर को जनरली स्किप कर देते लेकिन बहुत ही सिंपल, इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है। और कैसे पहचानोगे इस सब आंसर क्या है, सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज के नाम से आपको शायद पूछेंगे, या ऐसा पूछ सकते हैं ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज अंडर सेक्शन 144, व्हाट आर दोस सर्विसेज। तो ये सर्विसेज जो ऑडिटर होने के बावजूद, ऑडिटर होने के साथ साथ नहीं दे सकता। सिंपल है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो काम का है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।